नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, पासवान समाज और जो चकदार का मुद्दा है वो बिहार में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले तक ये अनशन पर बैठे हुए थे, लगातार सरकार को चिता रहे थे और सड़कों पर अपनी मांग को लेकर उतर रहे थे, तो बिहार पुलिस के द्वारा लाठियां भी इन पर खूब भाजी जाती थी। कई का सर फटा था, कई व्यक्ति का हाथ भी टूटा था, लेकिन ये सबको देखते हुए चिराग पासवान सामने आते हैं और वो अपने जीजा जी को भेजकर जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया जाता है और आश्वासन मिलता है कि इनके मुद्दे को लोकसभा में उठाया जाएगा। विधानसभा तो समाप्त हो गया, साथ ही साथ लोकसभा का जो सेशन था वो भी समाप्त हो गया, लेकिन मुद्दा नहीं उठा। अब ऐसे में आक्रोश देखने को मिल रहा है और चकदार संघ की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से पटना के सड़कों पर चकदार संघ जो है वो उतरेंगे। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रामविलास पासवान जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको सर, आपके चैनल। सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो जो नेता आश्वासन दिए आप लोगों को, चाहे वो पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या बीजेपी के पार्टी के कोई नेता हो, कितना सफल रहा वो आश्वासन? तो सभी लोग जितने भी हैं वो लोग केवल आश्वासन हमको दे करके ये जो है अनशन को समाप्त करवा दिए, लेकिन हम लोग स्थगित किए हैं, अनशन को समाप्त नहीं किए हैं जी। और जब तक जो है हमारी मांग सरकार नहीं मान लेती है, हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि चौकीदार जो है वो पसान जो मोगल जो है अंग्रेज पसान मोगल ये सब के समय में भी चौकीदार था और उस समय में भी चौकीदार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। उसमें जो 1870 में जो चौकीदारी मैनुअल बना है बंगाल एक्ट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वो जो मैनुअल बना उसमें स्पष्ट है कि जब भी चौकीदारों की बहाली होगी उसमें जो है चौकीदार के ही आश्रित की बहाली होगी। लेकिन आज तक कोई छेड़छाड़ नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकोर्ट के जो है ओट में आकर के जो है हम लोग चौकीदार जो है चोट मार दिए। हमारा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति हाईकोर्ट गया जी, केवल एक पर्सनल गया, तो वो पर्सनल गया उसको दंड मिलना चाहिए। और मैं समूह चलाता हूं, अगर संगठन के लोग अगर कोई चला जाता तभी समूह पर जो है कार्रवाई हो जाती, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक गया हाईकोर्ट उसको जो है लेकर के वो पूरे बिहार के चौकीदार दफादारों की जो है रोजी रोटी छीनने का काम किए हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक हमारी मांग को नहीं मान लेते हैं तब तक हम जो है हम लोग अपनी लड़ाई को स्थगित नहीं रखेंगे और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। 18 तारीख को जो है बैठक है हेडक्वार्टर में और उस दिन निर्णय लिया जाएगा और पुनः जो है हम लोग सदन सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने के लिए, मैं सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हूँ। हम लोग जो है गांधी मैदान में जुटेंगे और वहाँ से जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अरुण भारती सामने आए थे, चिराग पासवान उनको भेजे थे, अरुण भारती ने बड़ा आश्वासन दिया था सर आप लोगों को, लेकिन वो आश्वासन तो समाप्त हो गया। हाँ, अरुण भारती जी आए वो तो विश्वास दिलाए, लेकिन ना तो लोकसभा में कुछ हुआ ना तो विधानसभा में कुछ हो सका। तो इस सत्र मानसून सत्र भी खत्म हो गई, हमारी जो है मांगों पर कोई विचार नहीं हुई। तो हम अपने अगले सत्र जो शुरू होगा उससे पहले हम लोग अपने मांग को रखेंगे, आंदोलन करते रहेंगे अनवरत। अगले जो सत्र चालू होगा उसमें हमारी बात को कोई रखेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो चिराग पासवान आप लोगों को धोखा दिए इस बार अनशन तोड़वा कर। हाँ, हम लोग उनके बातों में आकर के जो है अनशन को तोड़ दिए उनके विश्वास पर जी। उन्होंने आश्वासन दिए कि नहीं आपका काम हम जो है करवा देंगे, हमारे रहते हुए कोई जो है आपको कुछ आपके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने बोले कि भाई आप
हमारे चिराग जी और हमको रहते हुए आप के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, और उन्होंने विश्वास दिलाए और उनके विश्वास पर हम लोगों ने आम्रनंदन को स्थगित किया, खत्म नहीं किए, स्थगित केवल किए हैं। तो आप लोग ये मानते हैं, आप लोग मानते हैं सर कि विश्वासघात हुआ है? हमारी काम हमारी मांग को जब नहीं कुछ हुआ तो हम क्या समझेंगे, अभी तो विश्वासघात ही समझेंगे, विश्वासघात समझ रहे हैं। अच्छा, आप पशुपति पारस भी आप लोगों के लिए ऐलान किए थे कि हम आपको नीतीश कुमार से मिलवाएंगे, क्या कुछ वहां से निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि आप लोग तमाम पार्टियों तक जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को तो यही है कि जो हम लोगों को बुलाते हैं, हम लोगों को मदद करने का आश्वासन देते हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं। हमको तभी है भूख कि कोई भी दिला दे, तो हम लोग सभी से मिल करके हमको जो है काम लेना है। जो मदद करेंगे तो उनको हम भी मदद करेंगे जी। बहुत जल्द जो है समय आ रहा है जी, तो हम लोगों को जो मदद करेंगे, तो विधानसभा का जो है चुनाव फिलहाल बहुत नजदीक है जी, तो हम लोग उनको भी मदद करेंगे, जो हमको लगेगा कि ये लोग हमारा काम करवाए हैं जी, उनको हम विधान आगे जो है थी में मदद करेंगे चुनाव में। ठीक है, लखिंदर पासवान की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी के कद्दावर नेता में है, एमएलए है, वो ऐलान किए हैं कि पासवान समाज के हक में तमाम जो पासवान विधायक है बीजेपी में, 8-10 जो भी विधायक है, वो मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के पक्ष में आने के लिए तैयार हैं। स्वागत करते हैं आप बीजेपी विधायकों का? हम लोग तो स्वागत करते हैं, इसलिए हमको तो भूख है, जो हमको देंगे रोटी दिलाएंगे उनके पास हम लोग जाएंगे, उसमें हमको क्या दिक्कत है, हमको तो लाभ लेना है, जो हमको लाभ दिलाएंगे उनके साथ भी जाएंगे। तो लखिंदर पासवान जी से आप लोगों का बातचीत हुआ था, क्या कुछ निकला है बातचीत में? बातचीत तो हुई है, वो अभी वो आश्वासन दे रहे हैं कि आपका काम हम कराएंगे जी, लेकिन देखिए कहाँ तक जो है सही हो बात होती है। अच्छा, देर रात आप लोगों से मिलने के लिए पप्पू यादव भी आए थे, गरीबों का मसीहा कहलाते हैं पप्पू यादव भी, पप्पू यादव से भी आप लोग मिले, पप्पू यादव क्या कुछ आश्वासन दिए, एक्शन ले रहे हैं पप्पू यादव आप लोगों का, जो आप लोगों ने लिखित दिया था आवेदन? देखिए, हम लोगों को जो हम लोग पप्पू यादव जी से भी मिले, उनको हम मांग पत्र जो है सौंपे, उन्होंने हमको आश्वस्त किए कि हम लोग सभा में जो है आवाज आपका उठाएंगे जी, यही सब बात हुई है। तो कुल मिला के देखी जाए तो आप लोगों को साजिशन चिराग पासवान ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवा दिया, घात किया आप लोगों के साथ? देखिए, अभी तक तो मान लिया जाए हम को जो है सभी लोग आश्वासन दे करके ही सभी लोग हम लोगों के पास आए, आश्वासन दिए हैं जो भी आए हैं जी, और अभी तक जो है समय जो है अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं, बीता नहीं, और सत्र भी जो है खत्म हो गई, तो वो जो कैबिनेट के स्तर की बात है, जो भी हमारे साथ आए हैं, आश्वासन दिए हैं और अनशन को स्थगित किए, तोड़वाए जूस खिला करके, तो हम लोग अभी तो विश्वास किए हुए हैं जी, लेकिन अभी तो जब हम लोग देख लेते हैं 1-2 महीने जो है अभी सत्र जब तक चालू नहीं होती है, उसके पहले कौन हमारा काम करवा देता है, तो हम लोग उनको समझेंगे कि भाई सही बोले हैं जी, लेकिन अभी 2-3 दिन हो ही गया है, इसमें अब क्या काम कराएंगे, क्योंकि कैबिनेट से काम होगा जी, तो कैबिनेट चलिए ना, विधानसभा तो खत्म हो गई जी, मतलब तो ये कैसे, ये अभी हम लोग कैसे कह दें कि कौन धोखा दे रहे हैं, कौन काम करवा रहे हैं? भरोसा है अभी भी? अभी भरोसा है, हमको आश्वासन दे रहा है इसलिए भरोसा है जी, काम नहीं होगा तो सब लोगों को हम कहेंगे भाई कि हमारे साथ धोखा किया है जी। बहुत 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 धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए।